ले नमस्ते शिष्य का यहाँ ढूंटी में ठहरे हैं। आप देख सकते हो ये ढूंटी विलेज। ये देखिए ये रास्ता पड़ता है यहाँ से कुयुल जाने के लिए और उमंगला जाने पास में यहाँ से भी एक रास्ता पड़ जाता है और एक रास्ता पड़ता है हमले से। तो अभी चाय पी के यहाँ से जा रहे हैं कुयुल की तरफ। अच्छा बना रहा है तो शर्मा साहब का ज़्यादातर लाइफ स्टॉक यही होता है लाइफ में। ज़्यादातर ये लोग लेवलीहुड में बकरी और या वो करते हैं डिक्चुमा कर रहे ए, 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 करना करना मुझे खुजली कर रहे कर तो। अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पे कशुंग में तो उनके बारे में पूछते हैं। यहाँ हमारा एक दोस्त था कर्मा बोल के तो उनके बारे में अपना लवलीहुड के बारे में उनको थोड़ा पूछते हैं। यहाँ पे उनका कैसा लवलीहुड कैसा है और ये किस सोर्स इनकम से अब ये लोग बैठते हैं उनके बारे में पूछते हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा इनसे पूछते हैं और यहाँ पे हम लोग बैठे हैं। चाहे देख लीजिए आप वो लोग अभी अपना खुलू कर रहे हैं यहाँ पे तो मिलते हैं। ओ गोलो झूले झूले क्या कर रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पे लोग पश्मीना के बहुत कलेक्शन कर रहे हैं पश्मीना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बकरी पूरा यहाँ पे बंधा हुआ है। तो पश्मीना आप लोग ये पश्मीना बेचते हो क्या करते हो आप लोग? बेचना है किलो का कितना है? तो किलो का 3,000। जहाँ भी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं पश्मीना चाहिए तो यहाँ पे मिल जाता है पश्मीना और उसका वूल तो देख सकते हैं हम। यहाँ पास ही है चेना तो नज़दीक है यहाँ से। ये यहाँ बैठ के भी सर्दियों में भी सभी यहाँ बैठ के अपना गुजारा करते हैं यहाँ पे। तो मिस्टर कर्मा जी कैसे हो और आपका यहाँ बैठ के कितना साल हुआ? 32 साल पूरा यहाँ पे बैठा है। तो अभी उसके बाद आप लोग ज़्यादा जगह यहाँ पे बैठते हो जगह घूम घूम के बैठते हो जगह एक जगह पे। यहाँ कितना महीने बैठते हो आप लोग? 2 महीने। उसके बाद कुंगडिंग जाना। कुंगडिंग में कितना महीना? कुंगडिंग में 2 महीने। उसके बाद आप लोग? उसके बाद हमारा खमानामो में 1 महीना। फिर उसके बाद फिर वापस यहाँ पे। तो ऐसे घूमते रहते हो आप लोग? तो आप लोग ज़्यादातर यहाँ बैठ के गाय वाय और या वक और ये बकरी वकरी वो क्या बोलते हैं गुजारा करके आप लोग का गुजारा हो जाता है यहाँ पे? तो यहाँ पे ठंड कितना महीना ठंड रहता है यहाँ पे? 4 महीने जैसे बहुत ठंड होता है। उसके बाद अभी सुना है इस साल तो बहुत ठंड हुआ अभी भी ठंड है बोलते हैं। अभी मौसम कैसा रात को कैसा मौसम हो रहा है आपको? ज़्यादा हवा आ रही है बाकी ठीक है। इस साल थोड़ा ज़्यादा ठंड। ठीक है कर्मा जी। तो कर्मा जी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई धन्यवाद। खुला खुला खुला। तो अभी हम लोग यहाँ से पहुँचने वाले हैं कोहिल की तरफ। तो यहाँ पर पूरा ग्राउंड ही ग्राउंड है। तो यहाँ कर्मा जो मेरा कलीग है ऑफिस का वो गाड़ी चला रहा है अभी देख सकते हैं। और ये दोनों डर रहा है पीछे से आप देख सकते हो। हम लोग यहाँ से निकल रहा था तो बीच रास्ते में बारिश पड़ रहा है। बस आधा रास्ते पे बारिश है आधा रास्ते पे साफ है। अलग सा मौसम है आप देख सकते हो यहाँ पे। जिसे वहाँ पे बादल छाए वहाँ पे बारिश पड़ रहा है और यहाँ पे जो साइड पे अभी थोड़ा सा चीटा आया था
इतना भी नहीं है, तो वहाँ भी धूप भी है, वो देख सकते हो आप लोग। तो रास्ते में जो भी है हम आपको बताते जाएंगे अपडेट। तो घूमने आई है लद्दाख और उमंगला पास हाई मोटर पर रोड भी घूमी है आप लोग। तो मोटर बाइक के लिए आप लोग परफेक्ट है यहाँ पे। तो देख सकते हो बहुत स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे, बारिश हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत बर्फ पड़ रहा है। मैं आप लोगों के लिए जानबूझ के निकल के आया हूँ। आप लोग मेरे सब्सक्राइबर के लिए, सब्सक्राइबर को मैं दिखाने के लिए, जो यहाँ पे भी बहुत ठंड होता है, तो आप लोग महसूस कर सकते हो मैं अभी ठंड पे हूँ। देखिए मेरा पूरा बाल पे पूरा बर्फ पड़ गया है। अभी पूरा यहाँ पे ज़मीन भी देख सकते हो आप, यहाँ पे सफ़ेद हो गया। हमारे गाड़ी को भी देख सकते हो आप, ये देखिए गाड़ी पूरा सफ़ेद हो चुका है। तो आप लोगों के लिए मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ये ऐसे ही। जो बाइकर्स वाइकर्स हैं मेरे यूट्यूब में, जो बाइकर्स विजिट करते हैं, जो मेरा फ्रेंड है एडवेंचर, जो बाइक रेंट है, तो उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई उमंगला जाना है तो पूरा वेयर अब गर्म पहन के जाइए। मौसम के कोई भरोसा नहीं है यहाँ पर, आप देख सकते हो बहुत ठंड है। तो मैं मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आगे का वीडियो आपको दिखाते रहूँगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हो हम चिमाता की तरफ पहुँचने वाला है। तो अभी भी बर्फ पड़ रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत बर्फ की भूचाल हो रहा है। अभी तो बाहर निकल गए तो बहुत ठंड भी है। आप देख सकते हो अभी हम पक्के रास्ते पर पहुँच गए। ये देखो मौसम के बारे में क्या बोलो आपको, आप देखो पूरा बर्फ ही बर्फ आ गया। देख बहुत ठंड है। अभी ले जा रहा हूँ हम लोग, लगभग 8 बजे हम पहुँच जाएंगे ले में। जैसे कि आप सब देख सकते हो विंटर की तरफ पूरा मौसम पूरा बदल छा चुके हैं और बर्फ भी पड़ रहा है। देख सकते हो आप, आओ ये देखो पूरा बदल ही बर्फ ही बर्फ पहुँच गया। आप देख सकते हो मैं अभी चुमाता पहुंच गया। देखो पूरा पहले ये बाहर सूखा था सुबह में जाते समय कल, अभी देखो पूरा सफ़ेद हो गया यहाँ से। अभी थोड़ा ठंड है, बर्फ़ तो कम हो गया यहाँ पे। अभी आप देख सकते हो मैं चुमाता से निकल चुका था, 20 रास्ते में आया हूँ। तो यहाँ पे पूरा धूप ही धूप है, कोई बारिश नहीं, मौसम बहुत परफेक्ट बढ़िया है। थोड़ा सा बादल छाए हुआ है आसमान में, तो हैरानी की बात यह है। तो यहाँ से चुमाता से आगे बहुत ठंड है और बर्फ़ भी पड़ रहा था, मैंने आपको वीडियो में देखा था। तो आशा करता हूँ मैं जल्दी ले में पहुँच जाऊँ। तो अब लोग मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो पूरा वीडियो देखने के लिए भी धन्यवाद। तो नया वीडियो के लिए जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एक बार, और लाइक ज़रूर कर देना भाई लोग। तो फिर दोबारा इस साइड पे बारिश पड़ रहा है, मैंने सोचा बादल वहाँ पे ठीक है। 20 रास्ते में बारिश, 20 रास्ते में धूप, समझ में नहीं आया मौसम के बारे में। थोड़ा आप लोग भी अपना जो चीज़ जहाँ घूमने आ रहे हो, तो अपना ये ज़रूर गर्म कपड़े और वाटरप्रूफ जैकेट ये सब ले गया नज़र। देख सकते हो यहाँ पर मनाली जाने वाली का ट्रैफिक करता जाम ही जाम हो गया। अभी हम उमशी पहुँचे हैं, तो अब अभी जा रहे हैं वापस। हम दोनों आए थे खाना खाने वसवान में, तो ये हम दोनों अभी रात के 10 बजने वाले हैं। तो हम यहाँ पे वसवान में खाना खा रहे हैं। अभी देख सकते हो वसवान